हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, ये बज रहे हैं अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैं उठ गई थी 3 बजे के आसपास उठ गई थी मैं। और यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग में रेडी हो रही हूँ जब बाहर घूमने जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी 3 बजे और ये 4:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मेकअप करना था, हल्का फुल्का मेकअप करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है पूरे दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। और स्किन केयर मैंने पहले ही कर लिया था तो मैंने वो सब दिखाया नहीं। और बस बाहर जा रही थी, थोड़ा बहुत तो मेकअप होना ही चाहिए ताकि पूरे दिन मेकअप मतलब हल्का सा टिका रहे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, लैक्मे का फाउंडेशन। उसके बाद जो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। और सब कोई रेडी हो रहे थे, मैं भी यहाँ पे रेडी हो रही थी अपने अपने कमरे में, सब कोई रेडी हो रहे थे जो मेरे साथ मतलब हम लोग जिनके साथ गए हुए थे, तो सब कोई रेडी हो रहे थे तो मैं भी यहाँ पे रेडी हो रही थी। और उसके बाद जो है हम चलेंगे बाहर घूमने के लिए, जंगल सफारी करने के लिए। तो गाड़ी वाले को जो है बोल दिया था तो उन्होंने जो है 5 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब कोई रेडी हो रहे थे तो मैं भी यहाँ पे रेडी होने लग गई थी। और तो यहाँ पे उसके बाद रेडी होने के बाद जो फिर हम लोग निकलेंगे जंगल सफारी के लिए। उसके बाद जो मैं वहाँ का आप लोग को दिखाऊँगी और ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और आप मतलब इस ब्लॉग पर ना शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग भी लाइक नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, पहले सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब करके निकल लेते हो, ऐसा मत क्या करो। और उसके बाद चलो यहाँ पे जो है फटाफट से मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाया ताकि मैं दिखा रही थी मैं आप लोग को कि जो चीज़ मैं करती हूँ यहाँ पे मतलब मिस्टेक भी करती हूँ। देखो मैं बोलने में मिस्टेक कर रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ चाहती हूँ कि मैं ये भी शेयर करूँ कि कितनी गलतियाँ मैं करती हूँ बीच बीच में। और मेरी जीभ में भी छाले हो गए हैं तो थोड़ी मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पे जो है रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे बाल बना के अच्छी तरीके से उसके बाद फिर जो है निकल लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे पहले रेडी ही सोच रही थी अच्छी तरीके से मैं एक बार रेडी हो जाऊँ तो फिर उसके बाद जो है सारा काम मतलब ख़त्म हो जाए। काम तो है ही नहीं कुछ होटल में, बस यही है कि बस सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और 4-5 दिन तो मेरी नींद इतनी हराम हो गई है कि पूछो ही मत। सुबह जल्दी उठना पड़ जाता है, 3 बजे कभी 4 बजे ऐसे उठना पड़ता है, कभी 2:30 बजे। और उसके बाद जो यहाँ पे ये देखो होटल के बाहर का व्यू था, ये मतलब होटल का ही था, ये तो मैंने बाहर का दिखाया बट ये जो ग्राउंड देख रहे हो ना आप ये होटल का ही है। तो यहाँ पे जो है 2 स्विमिंग पूल है और एक बड़ा है एक छोटा है, बट ये भी बंद है कोविड के कारण ताकि इसमें सबको नहाने लग जाते हैं इसलिए बंद कर रखा है स्विमिंग पूल को। और उसके बाद एक छोटा सा भी है एक बड़ा सा भी है। और उसके बाद ये जो है ना आम के पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे जिसमें कि आम भी थे, मैं सोच रही थी मैं कैप्चर करूँ बट वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि इस पर आम तोड़ लिया गया था, मतलब 2-4 आम थे। और बगल वाली साइड के जो मतलब पीछे वाले साइड के थे उसमें बहुत सारे आम थे, बगीचा था बट वो मैंने शूट नहीं किया। और ये रहा मतलब ये जो ग्राउंड में दिखा रही इसमें नाइट मतलब बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो हमने खेला भी था नाइट में। और उसके बाद जो यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये सब होटल का ही था और मतलब ग्राउंड जो था बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो पेड़, मुझे पेड़ सबसे ज़्यादा ये वाले मुझे पेड़ अच्छे लगे, बहुत सुंदर था, इसके डिज़ाइन मुझे क्या ही बोलूँ कितने पसंद आ रहे थे। और यहाँ पे जो वो देख रहे हो ना झोपड़ी सा, झोपड़ी तो नहीं है बट वो जो था उसमें जो मतलब बैठने उठने के लिए था। और उसके बाद जो ये मॉर्निंग का व्यू है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी शूट कर रही थी। उसके बाद हम निकल गए हैं जंगल सफारी के लिए। और मैं ये बता दूं कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, मैं आई हुई हूँ उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में हम लोग रुके हुए थे जो, और यहाँ पे होटल का नाम मुझे मैं भूल गई हूँ शायद, अगर याद आएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं किस होटल में रुकी हुई थी। और ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर जो है हम सुबह सुबह निकल गए थे जंगल सफारी के लिए। और यहाँ पर जो है ऐसे जंगल सफारी के लिए हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पे ना गाड़ी वाले मतलब रहते हैं जो कि हमें जंगल सफारी करवाते हैं तो उनके साथ ही हम जा रहे हैं। और उनके साथ ही जितने भी आते हैं यहाँ पे उत्तराखंड घूमने के लिए उनके साथ ही जाते हैं क्योंकि इस जंगल में इतने घने जंगल है कि अकेला निकलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे जो है यही लोग लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग जानवर थे बहुत सारे, तो जानवर लोग मतलब जो जहाँ भी रहते हैं इन लोगों को ज़्यादा आइडिया रहता है कि कहाँ पर कौन से जानवर थे। जब हम बस वही हम जंगल सफारी के लिए निकले थे जानवर देखने के लिए कौन कौन से जानवर हैं, बट हम लोग को
तो ज़्यादा जानवर दिखे नहीं, क्योंकि बीच जंगल में कभी कभी चले जाते हैं हम। हमने बस देखा हिरन, मोर और बियर वगैरह देखा था हमने, भालू वगैरह यही सब देखा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा हमने। हाथी भी देखा था, ऊँट भी देखा था, और उसके बाद जो है मतलब शेर भी था, लेकिन वो बीच जंगल में चले जाते हैं ना इसलिए नहीं दिखा हमने। हाँ वो रहे, भाग रहे, अंदर भाग रहे। सर स्पॉटेड डियर है सर, जो सीने वाला है। हाँ ये तो सीने है। अच्छा ये तो सीने होगा, सीने होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा हिरन, नहीं देखा तो मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है ये पुल था, और ये पता नहीं कौन से पुल कहते हैं, इसको भूल भी गई मैं, क्योंकि इतने मतलब बाहर की इतना चीज़ याद नहीं रहता है ना इसलिए। और यहाँ का मतलब व्यू जो था क्या ही बोलो, बस व्यू ही देखने के लिए हम लोग निकले हुए थे। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि पूछो ही मत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर सुकून और बिल्कुल नेचुरल था यहाँ पर सब चीज़, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखे बिल्कुल घने जंगल है, और कभी कभी तो बीच बीच में मतलब डर भी लग जा रहा था। और ये तो मतलब ये आम के बगीचे लगे हुए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ का मौसम भी ना, वेदर भी काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी मतलब गर्मी नहीं थी, ठंडा ठंडा मौसम था। और ये देखो यहाँ पे जो है दूसरी गाड़ी वाले भी, जो लोग गेस्ट वगैरह आए होंगे घूमने के लिए, उनकी भी गाड़ी यहाँ पे रुक के कोई कोई फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना बीच घने जंगल में मना है, बट कोई कोई मानता नहीं है तो यहाँ पर खिंचवा लेते। बस हम लोगों ने तो चलती गाड़ी में रिकॉर्डिंग की थी। तो यहाँ पे जो है हमारी जंगल सफारी ख़त्म होती है, और जैसे ही मतलब जंगल सफारी ख़त्म होती है एंड जंगल में, तो यहाँ पे एक जो है होटल है, मतलब होटल नहीं छोटा सा ढाबा है, जहाँ की मतलब जो लोग भी मतलब जंगल सफारी करने आते हैं उन सब की गाड़ी यहाँ पे रोक के, जैसे जिनको चाय नाश्ता वगैरह करना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह वो करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि बिल्कुल मॉर्निंग टाइम था। और 5 बजे हम लोग निकले थे, और यहाँ पर आते आते 7 बज गए थे, 2 घंटे लग गए थे हमें, क्योंकि 2 घंटे का जंगल सफारी का मतलब रास्ता था। और हम लोग बीच बीच में देखते भी आ रहे थे। तो ये रहा जंगल का व्यू जाके लास्ट है। और कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना। मिलते हैं अपने नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।